स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि। दिन के पहले बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कल दिन भर हंगामे के बाद किसानों ने रात में रोका प्रदर्शन, आज फिर दिल्ली के लिए करेंगे कूच। पंजाब हरियाणा सीमा पर किसानों का जमावड़ा लगा है, दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बल मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर नजर। किसान आंदोलन पर बोले राहुल गांधी, इंडिया की सरकार बनी तो एमएसपी की हम देंगे गारंटी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की सिफारिशों को भी करेंगे लागू, बोले राहुल गांधी, रिपोर्ट में जो दिया गया वो हम आपको देंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, बोले यूपीए सरकार में केवल 27,000 का कृषि था बजट, आज 1,00,000 करोड़ से ज्यादा। आला अधिकारियों के साथ सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, सुरक्षा बंदोबस्त का लिया जायजा। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने लगाया मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम, कटीले तार और भारी भरकम बैरिकेड से बॉर्डर सील किया। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में भलसवा फ्लाईओवर पर लगा भयंकर जाम, कई किलोमीटर तक दिखाई दी गाड़ियों की कतारें। हरियाणा के 8 जिलों में इंटरनेट पर 15 फरवरी तक पाबंदी, दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। किसानों के प्रदर्शन के दौरान कई जवान घायल हुए, जख्मी सुरक्षाकर्मियों का अंबाला के अस्पताल में कराया गया इलाज। आज अबुधाबी में बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, उद्घाटन के बाद कतर जाएंगे पीएम, कतर अमीर के साथ करेंगे चर्चा। थोड़ी देर में साधु संतों की मौजूदगी में शुरू होगी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, पीएम की मौजूदगी में होगी पहली संध्या ग्लोबल आरती। यूएई में ऐलान, मोदी कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत यूएई मिलकर 21वीं सदी का लिख रहे इतिहास, आज का मजबूत भारत हर कदम पर अपने लोगों के साथ। अपने संबोधन में पीएम ने नाहियान की कही बात, कहा वो बोले थे कहा जहां लकीर खींच दीजिए वो जमीन आपकी। आज राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे सोनिया गांधी, नॉमिनेशन के वक्त राहुल गांधी रहेंगे साथ। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया, औरंगाबाद में 15 फरवरी को शामिल हो सकते हैं तेजस्वी। आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग, बैठक में राज्य के कई मुद्दों पर होगी चर्चा, लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ भौमिक ने संदेश खाली टीएमसी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कहा 18 तारीख को संदेश खाली में इकट्ठा हो सब लोग। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रमुख सुकांता मजूमदार को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने किया रिहा, बशीरहाट के बाहर धरने पर बैठे थे सुकांता। पंजाब में बीएसपी ने अकाली दल को दिया झटका, लोकसभा चुनाव के लिए लड़ने का किया ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी महासचिव पद से दिया इस्तीफा, बोले बिना पद के पार्टी में काम करता रहूंगा। पश्चिम बंगाल में एयरफोर्स का हॉक ट्रेन और एयरक्राफ्ट दुर्घटना, दोनों पायलट्स ने इजेक्ट कर बचाई अपनी जान, दुर्घटना की जांच शुरू। यूपी के एटा में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, बच्ची समेत 3 लोगों की मौत, 6 घायल। शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री, पीएमएलएन की तरफ से नवाज शरीफ ने किया ऐलान, बेटी मरियम नवाज को पंजाब की मुख्यमंत्री के लिए नामित किया, जरदारी की पार्टी पीपीपी करेगी समर्थन। पेंसिल्वेनिया में पिछले कुछ दिनों से हुई भारी बर्फबारी, घरों और सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर।